खंडवा में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इसको लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी के लिए भटकना पड़ता है। तो खंडवा में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, लोगों ने चक्का जाम इसको लेकर कर दिया है। लोग परेशान हैं, हताश हैं पानी ना मिलने की वजह से। वहीं लोगों ने ये कहा है कि पानी के लिए उनको भटकना भी पड़ता है। तो अब यहाँ पर पानी के लिए परेशान होते दिखाई दे रहे हैं ये लोग, और सड़कों पर बैठे हुए हैं पानी की मांग को लेकर, क्योंकि इन तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। पानी ना पहुँचने की वजह से इनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लगातार पानी की समस्या खंडवा में बनी ही रहती है, और शुरू से ही यहाँ पर पानी की समस्या हमने देखी है कि किस तरीके से लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ तमाम वादे किए जाते हैं, चुनावी सभाएं जब की जाती हैं चुनावों के दौरान, उस दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यहाँ पर कुछ और ही तस्वीरों के माध्यम से बयां हो रही है। इमरान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इमरान, हमने देखा चुनावी जनसभाएं जब होती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पानी की यहाँ पर पानी की किल्लत दूर करने को लेकर वादे किए जाते हैं, लेकिन दूर होते नहीं हैं यहाँ पर परेशानियां। क्या कहना है यहाँ के लोगों का? अब बिल्कुल अंजलि जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार हमने कहीं चुनावी जनसभाओं में देखा है कि नेता मंच से बड़े बड़े वादे करते हैं कि जो है हम भरपूर और साफ सुथरा पानी लोगों के घरों घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही जो है सीमित रह जाते हैं। गर्मी आते से ही मैं आपको बता दूं कि खंडवा में जो है जल संकट की स्थिति हर साल बनती है, हर साल निर्मित होती है कि लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। खंडवा ही नहीं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात भी करूँ तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की समस्या कई बार सामने आई है। जन सुनवाई में हम देखते हैं लगातार जो है आवेदन आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से कि पानी की समस्या हो रही है। खंडवा शहर की बात में करूं तो आज खंडवा शहर के नागचुन रोड पर लोगों ने करीब दो घंटे चक्का जाम करा और पानी की समस्या के लेकर उन्होंने जो है मांग की कि उन्हें पानी मिला जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अधिकारी इन चीजों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। दो घंटे से लोगों ने चक्के जाम में बैठे और अधिकारी वहां पहुंचे नहीं। सबसे बड़ी बात यह की मेन सिटी जो खंडवा शहर है वहाँ इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी एक वादा किया गया था कि नर्मदा का जो जल है वो हर घर तक पहुंचेगा, ऐसा हुआ क्या इमरान? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन है खंडवा शहर में काफी करीब 5 साल से बिछी हुई पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लाखों रुपए जो है नर्मदा जल योजना पर सरकार ने खर्चा करे, लेकिन जो है घटिया क्वालिटी के पाइप होने के कारण, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है कि घटिया क्वालिटी के पाइप होने के कारण जो आज भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ही ये जो पाइपलाइन है ये बार बार फूट जाती है। इसी के कारण कहीं ना कहीं जो है लोगों इससे डिस्टर्ब होते हैं और अपना काम छोड़ के जो है पानी के लिए भटकते हैं। बाद में अगर करूं तो पानी की समस्या दूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार जल जीवन मिशन चला रही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे अंजलि, की जिस तरीके से और यही वजह रहती है कि जब चुनाव यहाँ पर करवाए जाते हैं तो ये चुनावों का जो ग्रामीण है चुनावों का बहिष्कार कर देते हैं, वजह सिर्फ है पानी की समस्या। बहुत शुक्रिया इमरान आपका जोड़ने के लिए।